मिलिए दुनिया की सबसे प्रसिद्ध पेंटिंग मोनालिसा से। दोस्तों, योग माया की यात्रा में आप सब लोगों का फिर से स्वागत है। आज सुबह मेरे पास काफ़ी समय था तो मैं निकल गई सुबह सुबह सैर करने के लिए। तो यहाँ पर आप जो देख रहे हैं ये पोंत अलेक्जेंड्रा III ब्रिज है। ये चार पिलर्स हैं इस ब्रिज पर, और जो देख रहे हैं आप सामने जो पिलर है उसमें विंग पंख वाले हॉर्स बने हुए हैं जो ब्रॉन्ज के हैं। और ये ब्रिज जो है वो 1896 में बना था अक्टूबर में, एंड उस समय ये काफ़ी बड़ा एक आर्किटेक्ट मार्वल माना जाता है, क्योंकि इसमें 20 फीट लंबा एक स्टील है जिसको आर्च के शेप में दिया गया है, और ये उस तरह का ब्रिज बना हुआ है सेन नदी पर। तो आज थोड़ा सा वॉक करते हुए मैं आपको कुछ एक जो माइलस्टोन हमने देखे थे ऊपर एफिल टावर से उनको मैं यहाँ से आपको दिखाऊंगी। और अब जो ये आप देख रहे हैं सामने की ओर, ये जो डोम है जो हमने ऊपर आईफिल टावर से देखा था, लेस इनवैलिडस। सो ये लेस इनवैलिडस जो है ये एक म्यूज़ियम है जहाँ पर फ्रांस की मिलिट्री हिस्ट्री के बारे में दिखाया जाता है। मैं ज़्यादातर म्यूज़ियम्स नहीं जाती हूँ तो मैं ये सिर्फ बाहर से ही दिखाऊंगी, क्योंकि यहाँ का लूव जो म्यूज़ियम है वो काफ़ी बड़ा है, और वो अगर आप देख लो तो फिर सारे म्यूज़ियम उसके पीछे फीके दिखते हैं। पर अगर आपके पास में टाइम ज़्यादा हो तो बहुत सारे म्यूज़ियम्स हैं पेरिस में जहाँ पर जाया जा सकता है। सो एक और यहाँ की जो बहुत ही फेमस इमारतें हैं, जो एक्चुअली काफ़ी सारी हैं, ये लगभग 2.5 किलोमीटर से भी ज़्यादा में फैली हुई हैं। ये एक अलग स्टाइल की यहाँ पर जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं, इनको बुलेवार्ड हाउसमैन में है ये, और जो बैरन हाउसमैन था वो उसने इन सब चीज़ों को आर्किटेक्ट और रेनोवेट किया था पेरिस में। तो ये अलग ही यूनिक बिल्डिंग्स हैं जो कि पत्थर और रॉट आयरन के डिटेल से बनी हुई हैं यहाँ पर, और इन पर लगभग 40,000 से भी ज़्यादा घर हैं इनमें। और ये 1853 और 1870 के बीच में इन्हें बनाया गया था। और ये ऊपर से अगर आप एफिल टावर या किसी भी हाई राइज बिल्डिंग से अगर आप देखें तो ये बहुत ही सुंदर दिखती हैं पेरिस में, ये सारी बिल्डिंग्स वहाँ से। और अब जो सामने आप देख रहे हैं ये पैलेस बॉबन है, यहाँ पर जो फ्रेंच पार्लियामेंट है उनके लोअर चेम्बर है, उसकी असेंबली और मीटिंग वगैरह होती हैं। ये राइट अक्रॉस पैलेस दे ला कॉनकॉर्ड के वहाँ पर है। सो ये जो अब आप देख रहे हैं ये यहाँ का पैलेस है, पैलेस दे ला कॉनकॉर्ड, और ये 1722 में बनना शुरू हुआ था, और यहाँ पर लगभग 9,500 के करीब रूम हैं इस पैलेस में। ये बहुत ही बिजी स्ट्रीट पर है अभी फ़िलहाल, तो कांस्टेंट गाड़ियाँ निकल रही थी आसपास से। पर आप यहाँ पर एक और चीज़ देखेंगे, इमारत बहुत अच्छी दिखती है, पर इसके सामने जो आप जो देख रहे हैं वो है इजिप्ट के, इजिप्ट ने भेंट किया था ये ऑब्लिस्क ऑफ लुक्सार को। तो ये अब इस सेंटर में पेरिस के पैलेस के बीच में इन लोगों ने लगाया है। ये ऑब्लिस्क जो है ये 3,000 साल पुराना है, और ये इजिप्ट का जो लुक्सार टेंपल है जहाँ मैं जाऊँगी और वहाँ का भी आपको वीडियो भेजूँगी, ये करीब 1250 ईसा पूर्व बना हुआ है, और ये 1830 में पेरिस में लाया गया था। सो अब मैं चलते चलते यहाँ का जो फेमस म्यूज़ियम है लूव्र वहाँ पर आ गई हूँ।
ये जो म्यूज़ियम है ये एक्चुअली पहले पैलेस था 12वीं और 13वीं शताब्दी में, और 1769 में इसको इन्होंने फिर म्यूज़ियम बनाया, एग्जिबिशन कई पेंटिंग्स के लगा के, और यहाँ पर बहुत सी फेमस पेंटिंग्स हैं, मोनालिसा, यू नो, वीनस द मिलो, जो काफ़ी फेमस पेंटिंग्स हैं वो यहाँ पर हैं। तो मैंने इसके लिए एक्चुअली ऑनलाइन ख़रीद ली थी इसकी टिकट्स भी, उसके बावजूद भी मुझे आधा एक घंटा लगा अंदर तक पहुँचने में, तो लाइन काफ़ी बड़ी थी। और यहाँ पर अगर आप आते हैं तो आप कम से कम 3 घंटे से ज़्यादा का समय रखिए, क्योंकि म्यूज़ियम बहुत बड़ा है और यहाँ पर कम से कम, यू नो, 38,000 प्री हिस्टोरिक जो एग्जिबिट्स हैं वो हैं, ये 72,000 स्क्वायर मीटर में फैला हुआ है। तो इस यहाँ पर आने के लिए आप थोड़ा समय निकाल कर आइए टू एन्जॉय यहाँ की जितनी भी पेंटिंग्स हैं, यहाँ पर जो स्कल्पचर्स हैं, उन सबको देखने के लिए आपको थोड़ा समय लूर म्यूज़ियम के लिए अलग से रखना बहुत ज़रूरी है। तो मैं पूरा म्यूज़ियम तो नहीं आपको घुमा सकती हूँ, पर मैं चाहूँगी कि आपको कुछ एक जो मेन आइटम्स हैं वो बताऊँ। सो ये जो आप पहला देख रहे हैं इसको विंग्ड विक्ट्री ऑफ सेमोथ्रेस कहते हैं, ये ग्रीक आइलैंड सेमोथ्रेस से लाई गई है, एंड ये बहुत फेमस अराउंड 200 से 190 ईसा पूर्व की बनी हुई है, जो कि एक शिप पर बनी हुई मूर्ति है। अब ये जो दूसरी आप मूर्ति स्टैचू देख रहे हैं, ये इसको वीनस दे माइलो बोलते हैं, ये ग्रीक के माइलो आइलैंड की है, और ये करीबन 150 से 125 ईसा पूर्व बनी हुई पेरियन मार्बल से बना हुआ स्टैचू है, और ये 6 फीट और 8 इंच ऊंची है। तो सारी मूर्तियों स्कल्पचर्स को देखने के बाद में मैं वहाँ पहुँच गई उस सेक्शन में जहाँ पर सारी पेंटिंग्स रखी हुई हैं, और आखिरकार उस चैम्बर में पहुँची जहाँ पर मोनालिसा की पेंटिंग है। मिलिए दुनिया की सबसे प्रसिद्ध पेंटिंग मोनालिसा से। मोनालिसा की पेंटिंग को लियोनार्डो दा विंची ने बनाया था 1503 से 1506 के बीच में, और इसकी आँखें आप जहाँ से भी देखें आपको फॉलो करती हुई दिखेंगी। तो यहाँ पे और भी बहुत सारी पेंटिंग्स हैं मोनालिसा के अलावा, भी बहुत बढ़िया बढ़िया पेंटिंग्स हैं, जिसमें डेथ ऑफ द वर्जिन एक बहुत अच्छी है, लिबर्टी लीडिंग द पीपल भी बहुत अच्छी है, राफ्ट ऑफ मेडुसा, यू नो, द बैटल बिटवीन लव एंड चेस्टिटी, ये सब देखना मत भूलिए। मैं नीचे के लेवल में आ गई हूँ जहाँ पर ग्रेट स्फिंक्स ऑफ टेनिस है, ये ग्रेनाइट के सिंगल ग्रेनाइट के उससे बना हुआ है, और ये 26th century ईसा पूर्व बनाया है। तो आप लोअर लेवल पे अगर आते हैं तो यहाँ पर आपको बहुत सारे इजिप्शियन आर्ट्स मिलेंगे। तो लोअर लेवल में यहाँ पर इजिप्शियन आर्ट में ममी है, सार्काफेगस है, एक सीटेड स्क्राइब है, तो और भी ज़्यादा स्टैच्यू ऑफ नेक्थोर भी है। तो लोअर लेवल में यहाँ पर देखने के बाद में अब मैं बाहर जाऊँगी, वहाँ पर एक गार्डन है लोअर के बाहर, वो गार्डन देखने के बाद में मैं
अपने अगले पड़ाव पर लियोन में जाऊंगी, फ्रांस की जो एक और जगह है, तो उसको मैं अपने अगले चैनल में आप लोगों से शेयर करूंगी। आप सभी लोगों का योगमाया की यात्रा में मेरे साथ सफ़र करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कृपया सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।